हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में भी हम यही कंटिन्यू रखने वाले हैं। हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेसिकली। एक्चुअल में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि अब मुझे फील हो रहा है कि कुछ रिविजन की जरूरत है और रिविजन के लिए प्रॉब्लम से बेटर कोई अप्रोच नहीं हो सकती हमारे लिए। तो हम यहां पर आज भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, अ पॉइंट चार्ज 100 पिको कूलम इज लोकेटेड एट 4, 1, -3 व्हाइल द एक्स एक्सिस कैरीज चार्ज 2 नैनो कूलम पर मीटर। इफ द प्लेन जेड इक्वल टू 3 ऑल्सो कैरीज चार्ज 5 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट 1, 1, 1। यहां पर अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करो। देखो, आपको यहां पर एक पॉइंट चार्ज गिवन है जिसकी वैल्यू मेंशन है। इसके अलावा देखो, एक्स एक्सिस कैरीज चार्ज, ये नहीं भी समझ में आता तो यूनिट को देखो। यूनिट क्या है? 2 नैनो कूलम पर मीटर। यूनिट को देख के समझ सकते हो कि लाइन चार्ज है। उसके बाद प्लेन जेड इक्वल टू 3 ऑल्सो कैरीज चार्ज 5 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको देखकर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि शीट चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है, शीट चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। तो तीनों के तीनों चार्ज हैं और बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर रखा है, सबके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो आपको इन तीनों के कारण बेसिकली सुपर पोजिशन हो जाएगा, तीन आपको फील्ड निकालनी होंगी और तीनों को ऐड करना होगा। किस पे निकालना होगा? 1, 1, 1 पे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखो, यहां पर ई को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज प्लस शीट चार्ज। तो तीन ई निकालने हैं आपको और तीनों के लिए फिर आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ ई निकालने के बाद ऐड कर देना है। एक बात ध्यान रखना, यहां पर इस टाइप की प्रॉब्लम आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन ना पहले मैंने ना डायरेक्शन पे, स्पेशली ये ईएस के डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, तो ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना। देखो, सबसे पहले ईपी निकालते हैं, जो सबसे ईजी होता है। ईपी क्या होता है आपका? EP का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर AR। बेसिकली R आपको पता है डिस्टेंस वेक्टर आपका होता है, ठीक है ना? तो R का जब मॉड लेते हो तो आपको ये वाला R मिल जाता है, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दोगे, ये हमें आता है, ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस का स्क्वायर है। और AR क्या है? जो R आप निकालोगे डिस्टेंस वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर जब ले लोगे तो AR मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यहां से अगर हम EP की वैल्यू अचीव करने के लिए जाएं, तो आप देखो 100 पीको कूलम, मतलब 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12, पीको का मतलब हमें पता होना चाहिए ना। अब आप देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर लेंगे, एकदम लास्ट में। R स्क्वायर और AR, ये अब इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हो अच्छे से। तो अगर आपको R वेक्टर निकालना है तो यहां पर आप समझो आप क्या करोगे। वेक्टर आर अगर आपको अचीव करना है तो आपको दो पॉइंट की क्लियरिटी होनी चाहिए, किसके किसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने हमेशा बताया जिस पॉइंट पे निकालना है माइनस जिस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज गिवन है। तो किस पॉइंट पे निकालना है? 1, 1, 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको चाहिए और पॉइंट चार्ज गिवन है 4, 1, -3 पर। तो दिस माइनस दिस, इससे आपका आर वेक्टर आएगा। देखो आर वेक्टर कितना आ रहा है, 1, -4, -3x, 3ax, बेसिकली आप बोल सकते हो 1, -4। आप देख सकते हो 1, -1 0, तो y वाला 0 हो गया। z वाला देखो 1, -3 मतलब 4, तो 4az। तो यहां पर मॉड क्या हो जाएगा इसका, आप जानते ही हो मॉड कैसे निकालना है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहां से यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड, तो ये आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ये सारी चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहले फिर प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करो, ठीक है। तो यहां से ए आर आ जाने के बाद अब आप देखो वैल्यू बस आपको पुट करनी है। तो ईपी का आंसर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12, पीको था ना, पीको मीन्स 10 की पावर माइनस 12, तो यह कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पुट कर ही देता हूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। आप देखो यहां से 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और
और कुछ रहता है आपका, इसके अलावा आपका रहता है ए आर और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 और ए आर की वैल्यू कितनी है आप देखो, ए आर की वैल्यू है आपकी -3ax +4az डिवाइड बाय 5। तो 5 भी आप नीचे लिख दोगे तो 25 × 5 सीधा लिख सकते हो ना 125, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया ना, हमने आर स्क्वायर लिखा था 25, ठीक है, उसके बाद ए आर जब पुट किया तो एक और 5 आया, तो 25 × 5 125 मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर? सो यहां से अब आप देखो जो आपकी ईपी की वैल्यू है, ये जो 10 की पावर -12 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +12, तो कितना बचेगा फिर से 100। तो 100 -3ax +4az डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है देखो आप, ये आपका हो रहा है 4π और इंटू 8.854 इंटू 125। ये आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन यहां पर बचेगी। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा लेकिन कुछ टाइम के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या है देखो, नेक्स्ट है आपका यहां पर लाइन चार्ज ईएल। ईएल है 2 nC/m, मींस 2 nC/m रोएल आपको गिवन है, जिसके कारण आपको ईएल निकालना है। तो आप समझो कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस कैरीज लाइन चार्ज 2 nC/m, ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 1.1.1 पे। अब अगर आप याद करोगे ना, जो आपका सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था, उसको आप एक बार रिवाइज भी कर लो, या जैसे मैंने बोला है नोट्स बनाते चलने तो अपने नोट्स ओपन कर लो। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो कि लाइन चार्ज के कारण था, वहां पर हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया था, और वहां पर जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, ई एल इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2π ε₀ रो ए रो। आपको ये समझ में आ रहा है ना मैं ε₀ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ε₀ गिवन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट फ्री स्पेस है। तो यहां से अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो रोएल की वैल्यू तो आपको गिवन है 2 nC/m, 2π ε₀ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टारगेट क्या होता है, ए रो और रो निकालने का। मैंने आपको क्यों ये बताया, फिर से क्यों रिवाइज करवाया कि सिलेंडर ज्योमेट्री आप लेते थे, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, ताकि आपको यह याद आ जाए कि रो क्या था। रो बेसिकली ऐसे डिस्टेंस थी आपकी, ठीक है ना, लाइन, जो लाइन है आपकी, लाइन से पॉइंट पी, पॉइंट पी मींस जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसकी ऐसे डिस्टेंस थी। ठीक है, आप देखो जो आपको लाइन दी है वो एक्स एक्सिस है, तो यहां पर मैं डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। यह आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यह जो आपका एक्स एक्सिस है, इसमें आपका यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रोएल। हमने यही थ्योरी पढ़ी है, यहां पर 2 nC/m का लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो यहां पर हम क्या करते थे, एक सिलेंडर लेते थे, ठीक है, और ये सिलेंडर का रेफरेंस बन जाता था, ठीक है ना, इमेजिनरी एक्सिस जो होता है आपका, बीच वाला जो एक्सिस होता है सिलेंडर का। और जब सिलेंडर आप ले लेते थे तो यहां पर पॉइंट पी जो कि आपका 1.1.1 है, उस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अचीव करते थे। ये पॉइंट मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, और ये डिस्टेंस होती थी आपकी रो, क्योंकि हमारा टारगेट रो निकालने का ही है ना, रो रेडियस ही है सिलेंडर की, तो एक तरह से रो डिस्टेंस ही है। तो रो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे हमें यहां पर चाहिए था। तो एक पॉइंट तो आपको पता है 1.1.1 है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा। तो आप समझो यहां पर बात की जा रही है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये बात तो आपको पता ही है, आप श्योर हो 100% की वाई और जेड कितना होगा, 0, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे हो। अब आप देखो ये वाला एक्सिस आपका एक्स है ना, ध्यान रखना, ये जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है वो एक्स एक्सिस को शो कर रही है। तो आप देखो ये जो ये यहां पर ऐसे आपका एक्स क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब एक्स की वैल्यू जो यहां पर 1 है तो यहां पर भी क्या रहेगी 1। बेसिकली यहां पर एक्स शो क्या कर रहा है आपका, अगर एक्स एक्सिस ये है तो x आपका हाइट शो कर रहा है ना यहां से, तो अगर ये हाइट आपकी 1 आपको शो हो रही है x की वैल्यू, तो यहां भी क्या रहेगी 1 रहेगी ना, देख सकते हो यहां पर x क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहां से आप पता लगा पाओगे कि आपका पॉइंट क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x एक्सिस है इसलिए y और z दोनों 0 होगा, ये पॉइंट समझ में आ गया। और उसके बाद ये वाला एक्सिस x है, ध्यान रखना, तो ये यहां पर x इक्वल टू 1 क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे x 1 है तो यहां भी x 1 रहेगा, ठीक है। तो यहां से आपने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद बहुत इजी है। उसके बाद आप देखो
आपका जो वेक्टर रो है, रो वेक्टर कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे निकालना है ठीक है उसको पहले फिर माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा आपका जीरो, फिर ये हो जाएगा ए वाई, वन ए वाई प्लस वन ए जेड, ठीक है, वन माइनस वन जीरो हुआ था और फिर आपने आंसर अचीव कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट समझो, रो वेक्टर अचीव करने के बाद रो निकाल सकते हो, रो कितना हो जाएगा अंडर रूट टू, अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट टू हो जाएगा। इसके बाद देखो ए रो, ए रो क्या हो जाएगा ए वाई प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय रूट टू, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस वैल्यू पुट करनी है और काम खत्म। तो देखो ई एल, ई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी समझो, यहां पर रो एल, रो एल कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, फिर ए रो, ए रो की वैल्यू कितनी है ए वाई प्लस ए जेड डिवाइड बाय रूट टू भी है, ध्यान रखना मैं रूट टू नीचे लिख दूंगा डायरेक्ट, 2 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने पुट की है। रो की वैल्यू कितनी है रूट टू, देखो ए रो का रूट टू था और रो का रूट टू है, रूट टू, रूट टू कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद और कुछ बचता है आपका, हो गया फिनिश, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो ए रो ऊपर लिख चुके हो, रो एल भी लिख चुके हो गया, ये हमारा ई एल आ गया। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अब देखो बस कैलकुलेशन ही बचा है, वो मैं लास्ट में करके लिख भी दूंगा आंसर। इसके बाद लास्ट, लास्ट कितना है आपका ई एस, ई एस का फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ शीट चार्ज के लिए, रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बेटर रहेगा कि आप ना इस तरीके से लिख दो ए एन, सरफेस के लिए ये नोटेशन सबसे प्रॉपर रहता है ए एन नॉर्मल, ठीक है ना। बेसिकली आपको डायरेक्शन ही निकालना है और कुछ नहीं है, तो आप खाली ए भी लिख सकते हो हर जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि निकालना कैसे, जैसे यहां पर प्रोसेस थोड़ा अलग था, यहां पर थोड़ा अलग है, यहां पर भी थोड़ा अलग होगा। तो आप समझो क्या लिखा है, इफ द प्लेन प्लेन जेड इक्वल टू 3 ऑल्सो कैरीज चार्ज 5 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब रो एस गिवन है, 2 एप्सिलॉन नॉट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ए एन पता करना है। आप समझो अगर आपको प्लेन जेड इक्वल टू 3 दिया है, मतलब जेड कॉन्स्टेंट है, जो प्लेन दिया है जेड इक्वल टू 3 मेंशन है ना, तो जो चीज कॉन्स्टेंट गिवन होती है एक्चुअल में एक ही चीज कॉन्स्टेंट होगी, वही आपका डायरेक्शन शो करेगा। समझ में आ गई बात, अगर आपको एक ही चीज यहां पर कॉन्स्टेंट गिवन है, ठीक है, अगर एक ही चीज कॉन्स्टेंट गिवन है तो वही आपका क्या शो करेगा यहां पर, डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन प्लेन को और भी तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा रखा है जब मैंने ग्रेडियंट निकाल के डायरेक्शन निकालना आपको सिखाया था, ठीक है, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करोगे तो वहां पर भी आप देखोगे। तो यहां पर जो मेन रहेगा आपका वो यही रहेगा कि जब भी जेड इक्वल टू 3, मतलब एक वेरिएबल इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ मेंशन हो, मतलब जेड कॉन्स्टेंट है, तो वही आपका डायरेक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर आप क्या मेंशन करोगे, ई एस इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए एन। तो रो एस की वैल्यू कितनी है आपकी, रो एस है आपका 2 5 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 2 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और ए एन। अब ए एन क्या पुट करना है, जैसे मैंने आपको बताया ए जेड, क्योंकि z इक्वल टू 3 गिवन है प्लेन, तो वही आपका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे इजी होता है। तो यहां से अब आप समझो द प्लेन z इक्वल टू 3 ऑल्सो कैरीज चार्ज 5 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड e एट 1, 1, 1। ए जेड डायरेक्शन तो है, लेकिन आप समझो जो z इक्वल टू 3 प्लेन गिवन है आपका, जहां पे z जो है वो 3 पर कॉन्स्टेंट है, z इक्वल टू 3 गिवन है, और जो आपका पॉइंट है वो क्या है 1, 1, 1, मतलब इस पॉइंट को समझो, जो पॉइंट है वहां पर जेड की वैल्यू कितनी है 1, और जो प्लेन है वो जेड इक्वल टू 3 है, वहां पर जेड की वैल्यू 3 पर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो पॉइंट है ना वो आपका प्लेन से नीचे है, मतलब आप प्लेन से नीचे की तरफ आओगे। ये क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो सिर्फ प्लस और माइनस के कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो माइनस ए जेड आएगा। मैं इस टाइप के एक दो प्रॉब्लम और करा दूंगा आज ही के लेक्चर में,
लेकिन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पे निकालना है वो 1.1.1 है, मतलब जेड की वैल्यू 1 है, ध्यान रखो जेड पे फोकस करो। और जो प्लेन है वो जेड इक्वल टू 3 है, जेड इक्वल टू 3 प्लेन कांस्टेंट है, तो जो प्लेन है उसके कंपैरिजन में जो पॉइंट है वो नीचे है, और अगर नीचे है तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखो। समझ में आ गया अच्छे से? अब हमें सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन ही शो करना है, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा और कैलकुलेशन पहले ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप देखो माइनस 5 × 10³, 10³ मैंने क्यों लिखा, ये 10^-12 था और ये 10^-9 था। उसके अलावा 2 × 8.854 ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया, और साथ में डायरेक्शन जो है आपका वो ए जेड है। और यहां पर भी सेम चीज आप लिख सकते थे, यहां पर कितना हो जाता आपका, आप देखो 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाता, और इसके अलावा 10^-12 ऊपर जाता तो कितना बचता आपका 10^3 ए वाई प्लस ए जेड, और डिवाइड में कितना बचता हमारा 2π × 8.854, ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो यहां पर अब आपको करना क्या है, देखो आपको ना ये तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, ईपी, ईएल और ईएस को, ठीक है। और जब आप तीनों को ऐड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये देख लेना है कि एएक्स का कंपोनेंट क्या आ रहा है, ए वाई का क्या आ रहा है और ए जेड का क्या आ रहा है। मैं आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं, लेकिन जिनको क्लियर है वो आगे बढ़ जाओ सीधा, ठीक है ना, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो यहां पर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं, आप देखो यहां पर ये 100 है डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 8.854 और डिवाइड बाय 125, तो ये जो आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है यहां पर वो आ रही है आपकी 7.19 × 10^-3 और −3ax + 4az, ये वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। तो यहां से आपको ax का कंपोनेंट मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा यहां से az का, तो ax का कितना मिल रहा है आपको × 3, तो 0.0215 ax, और साथ ही साथ आपको यहां पर az का कितना मिल रहा है, az के लिए आपको × 4 करना पड़ेगा, तो 0.0287az, ठीक है। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आपको यहां नीचे नहीं भी दिख रहा हो तो जस्ट जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लो, 0.0287az प्लस में, और ax वाला जो है आपका वो किस में होगा, माइनस में होगा। एंड इसके बाद जो आपका es है, es को भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं यहां पर, ये आपका हो जाएगा 5000 / 2 / 8.854, तो ये वैल्यू जो आपकी निकल कर आ रही है ES की −282.35az, और सिर्फ AZ में आ रही है ध्यान रखना। और लास्ट अगर EL की बात करूं मैं, तो EL की वैल्यू कितनी होगी, 1000 / 2 / π / 8.854, ये वैल्यू आ रही है आपकी ऑलमोस्ट, मैं अप्रोक्सीमेटेड लिख रहा हूं, 18ay + 18az, तो ये आपका ऑलमोस्ट यहां पर पूरा का पूरा आंसर आ गया है। अब आपको क्या करना है, बस यहां पर आप फाइनल आंसर लिख दो ई का, तो आप देख सकते हो यहां पर ए एक्स का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो वो आंसर आप लिख सकते हो −0.0215 ax, और ए वाई का आपका बेसिकली एक ही कंपोनेंट है, तो यहां पर आप लिख दोगे 18ay, और जो आपके ए जेड के हैं, ए जेड के आप देख सकते हो यहां पर भी एक कंपोनेंट है आपका, सेकेंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी है, तो सबको आपको एड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करना होगा। आप देखो यहां पर −282 है, तो −282.35, और इसके अलावा ये वाला आपका प्लस में है, तो +0.287, और इसके अलावा जो आपका ये वाला है वो भी आपका प्लस में ही है, तो कितना लिखोगे +18, तो यहां से जो आंसर निकल कर आ रहा है −264.32az, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो देखो कैलकुलेशन पार्ट है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमेशा करना जरूर है,
मैंने आपको टिप्स वाली वीडियो में भी बोला हुआ है, गेट प्रिपरेशन टिप्स वाली वीडियो में, कि कैलकुलेशन लास्ट तक जरूर करो, ठीक है ना। उस वीडियो को आप जरूर वॉच करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, उस पर आप देखो, द लाइन वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू माइनस थ्री, कैरीज चार्ज 30 नैनोकुलाम पर मीटर, वाइल द प्लेन एक्स इक्वल टू वन कैरीज चार्ज 20 नैनोकुलाम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड ई एट ओरिजिन। तो सेम टाइप की प्रॉब्लम ही है, बस मेरा यहां पर मेन एम क्या है कि जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सरफेस चार्ज के कारण, शीट चार्ज के कारण जो डायरेक्शन लिखा था ना माइनस ए जेड, उसको एक बार और क्लियर करवा दूं आपको। तो ध्यान से देखो, यहां पर वैसे एक और डिफरेंस भी है। देखो यहां पर जो लास्ट प्रॉब्लम थी, वहां पर मैंने जो लाइन चार्ज गिवन था एक्स इक्वल टू जीरो पर मैंने आपको शो किया था। यहां पर देखो मैंने क्या बोला, द लाइन वाई इक्वल टू वन जेड इक्वल टू माइनस थ्री कैरीज चार्ज, एक ही चार्ज है 30 नैनो कूलम पर मीटर, बट लाइन किससे शो की जा रही है, y इक्वल टू वन और z इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहां पर आपको ना वो जो रो और a रो हमने निकाला था वो भी समझ में आना चाहिए। तो मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखो, e इज इक्वल टू ई एल प्लस ई एस। यहां पर आप देख सकते हो पॉइंट चार्ज गिवन नहीं है, दो चार्जेस हैं उनके लिए निकाल लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो। यहां पर अब आप थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, रोएल की वैल्यू में गिवन है 30 नैनो कूलम पर मीटर, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप देखो यहां पर y इक्वल टू वन और z इक्वल टू माइनस थ्री है, जो लाइन शो की जा रही है वो इस तरीके से शो की जा रही है कि y वन है और z माइनस थ्री है। तो यहां से आप क्या अंडरस्टैंड कर पाओगे, अब इस बात को समझो, y वन है और z माइनस थ्री है, ठीक है। तो अब आपको निकालना किस पे है, ओरिजिन पे, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर मैं जिस पे निकालना है पॉइंट पी 0,0,0 इस तरीके से शो करूं, और आपको पता है लाइन होती है तो यहां से ये डिस्टेंस आपकी रो होती है, ठीक है। तो जो लाइन है उसके लिए आपको क्या क्या नोटेशन गिवन है, उसके लिए आपको गिवन है यहां पर कि आपका जो वाई वन है और जेड क्या है, माइनस थ्री है। तो जब आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इस बात को समझना थोड़ा ध्यान से कि y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू माइनस थ्री है, और ये पॉइंट आपका ओरिजिन है जहां पर y और z 0,0 हैं। तो आप समझो, अगर आप रो जो निकालते हो, रेडियस जो निकालते हो लाइन चार्ज से, जो डिस्टेंस होती है आपकी पॉइंट P की रो होती है, कोई ना कोई एक तो जरूर कॉन्स्टेंट रहेगा ही, क्योंकि देखो ऐसी लाइन है आपकी, तो एक जो है आपका एक्स वाई जेड में से कॉन्स्टेंट तो रहा होगा। तो जब आपका y और z दोनों यहां 0,0 है, और y और z यहां पर आपका 1 और माइनस थ्री है, तो ये 100% शोटी हमें मिल रही है कि x क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, तीनों एक्सिस में से कोई ना कोई एक वैल्यू तो सेम रही होगी, तभी तो एक लाइन है ना हमारी। तो यहां से आप मेंशन करोगे x आपका कांस्टेंट रहा होगा, तो 0, y कितना है 1, z कितना है माइनस थ्री, आपने अचीव कर लिया पॉइंट। अब बहुत ईजी, आप जानते ही हो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो दिस माइनस दिस, तो 0-1 माइनस ए वाई, और 0-, तो प्लस हो जाएगा प्लस 3az। ये रो वेक्टर आ गया, रो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 10, और ए रो कितना होगा माइनस ए वाई प्लस 3az डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। ये आपने यहां तक फिनिश कर लिया, ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। अब यहां पर देखो रो ए रो ये सब अचीव कर लेने के बाद, अब आपका जो ई एल होगा, ई एल कितना हो जाएगा 30 नैनो कूलम, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 9, फिर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और साथ में होता है रो, रो की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 10 है। देखो रो की वैल्यू अंडर रूट 10 है, और ए रो में भी नीचे अंडर रूट 10 है, तो वो 10 हो जाएगा ओवरऑल, और ए रो की वैल्यू आप पुट कर दो फिर जो डायरेक्शंस है माइनस ए वाई प्लस 3az। तो देखो इस बार मैं कैलकुलेशन शो नहीं करूंगा, ठीक है, इस बार आप खुद से अब कर लेना। आपको बताया दोनों को ऐड करना है, ax ax वाले को ऐड कर दो, ay ay वाले को, az az वाले को, ठीक है। यहां पर सिर्फ कंसेप्ट पे हम लोग फोकस रखेंगे, es ये क्या होता है रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट an,
तो यहां से ES की जब आप बात करोगे तो ROS में कोई प्रॉब्लम है नहीं, गिवन है। तो 20 × 10⁻⁹ 2 × 8.854 × 10⁻¹² An। एक्चुअल में ना इसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम दोबारा आपको कराया हूं, ध्यान से देखो। जो प्लेन गिवन है वो x इक्वल टू 1 गिवन है, मतलब x इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, और यहां पर जो पॉइंट गिवन है उसमें x की वैल्यू 0 है, 0.0.0 है, मतलब प्लेन के रेस्पेक्ट में पॉइंट नीचे है फिर से। तो यहां पर आप जो नॉर्मल डायरेक्शन शो करोगे वो माइनस ए एक्स शो करोगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। देखो चाहे प्लेन जो है वो सिंगल वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट करके गिवन हो, या इस तरीके से गिवन होता 3x + 4y = 5 करके, ठीक है, उस तरीके से भी दे सकता है। मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वेक्टर कैलकुलस में, जब मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाई थी ना, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं, और जब बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। लेकिन जब सिंपल एक वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट करके दिया हो तो फिर आप डायरेक्टली जो दिया है उसी को ही डायरेक्शन लेकर चलोगे। लेकिन जैसे भी डायरेक्शन निकालो शीट चार्ज वाले कंसेप्ट में, ए एन की वैल्यू जैसे भी निकालो वो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे है अगर पॉइंट, ठीक है, रोएस के रेस्पेक्ट में जहां पर आपका शीट है उसके रेस्पेक्ट में अगर पॉइंट नीचे है तो माइनस लिखना, प्लस मत लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा। बस अब ये वैल्यूज आपने पुट कर दिए, अब आप आंसर यहां पर अचीव कर सकते हो। अच्छे से क्लियर हो गया, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है आप देखो यहां पर, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 120 मिलीकुलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, जस्ट टू लाइंस की है। आप देखो पॉइंट चार्ज ऑफ 120 मिलीकुलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर है क्यूब, समझते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो टोटल आपके कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस होंगे हमारे। फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। अब आप समझो, आपको बोला है पॉइंट चार्ज जो 120 मिलीकुलाम का है वो सेंटर पे है, ठीक है, और हम जानते हैं कि जो चार्ज इनक्लोज्ड होता है, ठीक है ना, फ्लक्स उसी के कारण आपका होता है, ठीक है ना। टोटल जो आपका फ्लक्स आउटवर्ड होता है वो क्या होता है, जो चार्ज इनक्लोज्ड होता है, तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड है आपका 120 मिलीकुलाम, और वो कहां पर है, सेंटर पे है। तो आप समझो सेंटर से, जैसे ये सेंटर है तो सेंटर से जो सभी फेसेस होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हर एक फेस से आपका इक्वल फ्लक्स जाने वाला है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, या इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, सिंपली फ्लक्स की यूनिट वही होती है जो चार्ज की होती है, दैट मींस कूलाम। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, दो लाइन की भी नहीं, सिर्फ एक लाइन की प्रॉब्लम है ये। देखो 120 मिली कूलाम डिवाइडेड बाय 6, तो 20 मिली कूलाम, ये आपका आंसर है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, क्यों है, क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं, सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो सभी से इक्वल फ्लक्स जाएगा, तो टोटल फ्लक्स 120 मिलीकुलाम ही रहने वाला है, डिवाइड बाय 6 कर दो, एक फेस से पूछा था ना, तो 20 मिलीकुलाम आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, अब आप देखो, 3 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर लोकेटेड इन फ्री स्पेस एज फॉलोज, 10 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, -20 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर एट y इक्वल टू -3, 30 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर एट z इक्वल टू 5, डिटरमाइन e एट 5, -1, 4। यहां पर देखो, ये प्रॉब्लम लेने का अगेन वही रीजन है मेरा, कि जो सरफेस चार्ज आपको गिवन होते हैं, शीट चार्ज जो गिवन होते हैं, उनके कारण जो आप ए एन निकालते हो वो प्लस लेना है कि माइनस लेना है, है ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम। यहां पर देखो तीनों के तीनों आपको सरफेस चार्ज ही गिवन है, तो एक ही फॉर्मूला आपको चाहिए, वो फॉर्मूला आपका कौन सा होगा, E इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2ε₀ ए एन, और ये फॉर्मूला 3 बार यूज करना होगा, क्योंकि आपके यहां पर 3 आप देख सकते हो सरफेस चार्ज है, मतलब E1 + E2 + E3, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा E के, फुल एंड फाइनल। तो एक बार E1, एक बार E2, एक बार E3। मेन लॉजिक क्या होगा कि जब E1 कैलकुलेट करोगे तो रोएस की वैल्यू कितनी है, देखो 10 × 10⁻⁶ माइक्रो है,
टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, कैलकुलेशन इस बार भी आप ही को करना है, मैं नहीं करने जा रहा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट कर लोगे। मेन क्या लॉजिक है ए एन का, तो ए एन का लॉजिक समझने के लिए ही हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखो, आपको 10 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2 गिवन है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। और यहां से जो पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उस पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 5। एक्चुअल में मैं आपको बहुत इजी तरीका सिखा रहा हूं बार बार। ये जो है एक्स इक्वल टू 2 है प्लेन, और पॉइंट है उस पर एक्स इक्वल टू 5 है, मतलब पॉइंट जो है वो ऊपर है, तो प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस ए एक्स। फिर E2 देखो, -20 × 10⁻⁶। ध्यान रखना यहां पर आपका चार्ज नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, उसकी जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो, ठीक है। जो आपको रो एस गिवन है वो नेगेटिव है, उसकी वैल्यू आप नेगेटिव लिख दो। मेन बात क्या है, y इक्वल टू -3, एक्ट y इक्वल टू -3, ये आपको प्लेन गिवन है। तो यहां पर देखो y इक्वल टू -3 प्लेन गिवन है, और जो पॉइंट है उसमें y की वैल्यू कितनी है, -1 है, मतलब आप जानते हो ना -1 -3 से बड़ा होता है, नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो मतलब पॉइंट फिर से ऊपर है, तो पॉइंट अगर ऊपर है तो आप क्या लिख दोगे, ए वाई, क्योंकि वाई है ना, वाई इक्वल टू -3 गिवन था। उसके बाद ई थ्री देखो कितना है, 30, इस बार पॉजिटिव है, माइक्रो है तो 10⁻⁶, 2 एप्सिलॉन नॉट जिसको आप कैलकुलेट कर ही लोगे। उसके बाद आप देखो जेड इक्वल टू 5 है, और यहां पर देखो जेड इक्वल टू 4 है जो पॉइंट है, तो पॉइंट नीचे है इस बार प्लेन के कंपेरिजन में, तो हो जाएगा -AZ। बस अब आप तीनों को ऐड कर दो, जो कैलकुलेशन है कर लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.854 × 10⁻½, हर बार दोहराते रहो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कब आपको प्लस लेना है और कब आपको माइनस लेना है। तो आज के लेक्चर में यही स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पे अगर आपको और प्रॉब्लम चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स पे, तो बस इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर जाओ, आपको और प्रॉब्लम मिल जाएंगी। प्रैक्टिस हम बहुत सारे क्वेश्चन की करने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू।